चलिए जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में, जो भी आप ग्रुप चलाते हो, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक पर है, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जहां हमने कल कंप्लीट किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग एक बार इस सेशन के साथ में जुड़ जाइए। और जितने लोग देख रहे हो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कल की क्लास में हमने न्याय निगमन के क्वेश्चन किया था, जो हम डायग्राम मेथड से आपको करने का तरीका बता रहे थे। तो हमने आपको इंडिविजुअल पार्ट्स को डिस्कस किया था और हमने कहा था एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद है आप सभी जब भी अगली क्लास में आते होंगे तो पीछे की क्लास को रिवाइज करके ही आते होंगे। और यही पढ़ने का एक सही तरीका है कि पिछली क्लास में जो बातें आपको बताई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको याद होनी चाहिए और एक पास में आपके कॉपी होनी चाहिए। तो कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसे एक बार रिवाइज कर देते हैं भाई, ताकि आप सभी को एक बार रिकॉल हो जाए। कल की क्लास में हमने सभी वाला केस कंप्लीट कर लिया था और हमने बताया था कि अगर सभी वाला केस आए तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। स्टेटमेंट में मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है भाई, कुत्ता बिल्ली है, सभी नदी पहाड़ है, इन सब बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो तरीका हमने बताया था उस तरीके पर ही फोकस होना चाहिए। निष्कर्ष हमने तीन टाइप्स के बताए थे और तीनों हमने डिस्कस की थी, जिनकी आज पहली क्लास है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लास को जरूर देख कर आइए, तभी आपको आगे चीजें समझ में आने वाली है। हमने कुछ इसमें रूल भी बताए थे, बाकी हमने डायग्राम से तो आपको करने का तरीका बताया था। हमने कहा था जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो बेटा कुछ क्या होता है सही, यानी किसी निष्कर्ष के आगे अगर कुछ लिखा होगा वह 100% क्या होता है मेरे दोस्त, तो सही होता है। और किसी निष्कर्ष के आगे अगर सभी लिखा होगा तो भी 100% क्या होता, क्या दिक्कत है भाई, सभी भी क्या होता है सही। लेकिन अगर कुछ नहीं की बात कर लोगे, पढ़े होगे सम नॉट का केस हो या नो या नन का केस हो, कोई नहीं, इसे क्या मानते थे भाई, आप गलत मानते थे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आप सभी को समझदार हो। आप बस थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, आपको सभी चीजें समझ में आएगी। लेकिन हम जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं मेरे भाई, बाहर से कहां आते हो, अंदर की तरफ, यानी किसी निष्कर्ष में पहले बी आए और बाद में क्या बने भाई ए, तो ऐसे केस में कुछ हमेशा क्या होगा भाई, 100% आपका सही होता है। सभी की बात कर लो या कुछ नहीं की बात कर लो बेटा, यह 100% न सही होता है न गलत होता है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसी को हम बोलते हैं डाउटफुल। और कल की क्लास में हमने बहुत बेसिक से बातें डिस्कस करके आपके सामने एक बात बताई थी कि यदि कोई निष्कर्ष डाउटफुल है तो बेटा उसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर दी जाएगी तो 100% क्या हो जाएगी सही। यह बात आपको क्लियर थी। और इसके बाद से हमने बताया था कोई नहीं अगर इसमें आता है, जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो 100% क्या होता है भाई, गलत होता है, कोई नहीं, यह 100% आपका क्या होता है भाई, गलत होता है। उम्मीद है आप सभी ने इस चीज को पढ़कर आया होगा। एक बार भाई सेशन को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको यह सेशन बेहतर लगता है और आपके लिए कुछ किया जा रहा है मेहनत, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही सकते हो भाई। चलिए आगे चलते हैं हम अगले पेज पर और डिस्कस करते हैं अगले टाइप को। लिखिएगा भाई कुछ वाली स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ ए बी, कुछ ए क्या है भाई, बी है बेटा। शब्द कथन में कहे गए शब्दों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप शब्दों को रिलेट करते हो तो बेटा कथन में कुत्ता बोले शेर है, शेर बोले बिल्ली है, तो उन सबसे मीनिंग अपने रियल लाइफ से रिलेट मत करना। जो भी बोला जा रहा है उसको आप हर परिस्थिति में सही ही मानना है। ये आपकी स्टेटमेंट दिखाई दे रही है सम ए आर बी, और नीचे अब हम आपको लिखेंगे भाई स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई कंक्लूजन्स पहले पर आते हैं और कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कंक्लूजन्स लिखते हैं भाई कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अगला लिखते हैं
कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, लिखते चलेगा। जितने भी निष्कर्ष आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं वो सारी मैं एक साथ लिख दूंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई। चलिए अगला है भाई, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। हमने कुछ और कल की क्लास में डिस्कस किया था कि मेरे भाई अगर मान लीजिए कथन में कुछ कहा जाता है तो उसका कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है और कुछ कैसा इंपैक्ट देखने को मिलता है भाई, इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। सभी बी ई हैं, साथ साथ नोट करते रहिएगा। आगे लिखते हैं भाई, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अगला है भाई, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। आगे लिखते हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। आगे लिखते हैं भाई, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। इसके बाद लिखते हैं कि कुछ बी ए नहीं है ऐसी संभावना है, नहीं है ऐसी संभावना है। आगे लिखते हैं भाई, सभी ए बी हैं ऐसी संभावना है, सभी ए बी हैं ऐसी संभावना है। आगे लिखिए भाई, कुछ ए बी हैं ऐसी संभावना है। हमने बताया था कल की क्लास में कि जब पॉसिबिलिटी आपके निष्कर्ष में दिखाई दे तो आपको पहले यह ढूंढना है कि यह जिस निष्कर्ष में लिखा गया है वह निष्कर्ष डाउटफुल है या नहीं है। अगर डाउटफुल नहीं होगा, या तो सही है या तो गलत है, तो आप उसमें पॉसिबिलिटी के साथ यदि दिया जाएगा तो आप उसे गलत मानते हैं। चीजें हमने आपको नोट भी कराई थी भाई। चलिए भाई, अब हम आते हैं डायग्राम पर। क्या लिखा गया है भाई, कुछ ए क्या है, बी है। तो यह ए रहा और यह क्या रहा भाई, बी रहा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा भाई। चलिए इसे मैं कहीं साइड में लिखता हूं। एक मिनट वेट कर लीजिएगा, सभी लोग लिखते हैं। चलिए भाई देखिएगा, कुछ कहां लिखे भाई, यहां लिखते बना देते हैं भाई। चलिए कहीं पर बनाइए, कुछ ए क्या है भाई, बी है। कुछ ए क्या है, बी है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, दिखाई दे रहा है। चलिए सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, जब इस कथन में यह बात बोली गई कि कुछ ए बी हैं, इससे डायरेक्ट जो पता चल रहा है वो उसके बारे में सोचिएगा। इससे पता चल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है भाई, बी। जो हमने व्हाइट कलर से किया है बेटा, यह ए का वह हिस्सा है जो बी में है, और इसे ए भी बोल सकते हो, या बी का वह हिस्सा है जो क्या है भाई, ए में है। तो आप कहोगे सर अगर कुछ ए बी हैं तो निश्चित ही रूप से कुछ बी क्या होने वाले हैं, ए होने वाले हैं। और इसमें बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यदि आपस में बदल भी दिया जाए तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है। कुछ बी ए हैं तभी भी डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अब आंसर देने का तरीका सीखिएगा। हमने कल बोला था कि जब भी हमें आंसर देना होगा तो सबसे पहले हमें किस पार्ट्स को देखना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें कॉमन वाले हिस्से को देखना चाहिए। अगर कॉमन वाले से निष्कर्ष बनेगा तो बेटा कॉमन वाले से निष्कर्ष जब बनेगा तो वो 100% या तो सही होगा या तो क्या होगा, गलत होगा। अगर खाली वाले हिस्से से बनेगा तो वह डाउटफुल बनेगा। यही दो बातें कल हमने बताई थी। रिलेट कैसे करोगे वह सुनो।
अगर कुछ ए बी है तो निश्चित ही रूप से आपको दिखाई दे रहा है बी कुछ क्या होने वाले हैं, भाई ए होने वाले। क्या ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है? हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ ए बी है, इससे पता चलता है ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी, लेकिन ए के बचे हुए हिस्से जो यहां दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक उसी प्रकार बी के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब बचे हुए हिस्से से निष्कर्ष बनेगी तो हमेशा क्या मानोगे, डाउटफुल। कुछ बी ए है बेटा, यह 100% सही है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कॉमन एरिया से इसका रिजल्ट बनना है। कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होंगे, कुछ ए बी है ए भी हमें दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा निश्चित ही रूप से क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, सही है। इसके बाद बोला जा रहा है सभी ए बी हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा लगाने की। बट अगर सभी बी ए बी हैं, क्या कॉमन वाले में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या सारे ए बी हैं? कॉमन वाले हिस्से को यदि देखोगे तो उससे यह बात नहीं पता चल रही है कि सभी ए बी हैं, और अगर सभी ए बी हैं तो इसका मतलब है इस खाली वाले हिस्से को किसके अंदर होना चाहिए था, बी को, बी के। और जब भी खाली वाले हिस्से को हमें सोचने की जरूरत पड़े तो हमेशा क्या मानोगे इसे, तो डाउटफुल मानोगे। सभी ए बी हैं ये बेटा तब सही हो सकता है जब खाली वाला हिस्सा किसके अंदर चला जाए, बी के, और जब खाली वाले हिस्से से निष्कर्ष बनेगा इसको क्या मानोगे भाई, डाउटफुल। और यदि इसके साथ संभावना लगा दी जाती तो यह क्या होता, सही। सभी बी ए हैं बेटा, कॉमन वाले हिस्से को यदि देखोगे तो उससे पता चलता है कुछ भी ये हैं, लेकिन अगर सभी भी ये हैं इसका मतलब होना चाहिए कि यह खाली वाला हिस्से किसके अंदर आना चाहिए था, ए के। और खाली वाले हिस्से की यदि बात होगी तो निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी, तो निष्कर्ष मानी जाएगी बेटा डाउटफुल। अभी मैं रूल के भी अकॉर्डिंग आपको नोट करा दूंगा, प्रॉपर तरीके से आप उसका आंसर दे सकते हो। चलो यहाँ ये भाई कुछ ए बी नहीं है, कॉमन वाले हिस्से में जरा जाना, यहाँ पर, यहाँ तो ए क्या दिखाई दे रहा है भाई, बी। कॉमन वाले हिस्से पर यदि जाओगे तो यहां दिखाई क्या दे रहा है कि भाई ए क्या है भाई, बी है, ए क्या है भाई, बी है। क्या दिक्कत है भाई इसको, क्या है भाई, ए क्या है भाई, बी है, लेकिन बोला गया है कुछ ए है जो बी नहीं है। तो बेटा पूरे इस डायग्राम में जरा देखकर बताओ, अगर रेड वाले हिस्से में क्या ए बी नहीं है क्या, तो आपका जवाब होगा जितना सर आपने रेड किया है वह ए का वह हिस्सा है जो बी है, लेकिन ए का जो खाली हिस्सा है यह दिख रहा है ए का वह हिस्सा जो बी नहीं है, यही दिखाई दे रहा है। और खाली वाले हिस्से से जब भी निष्कर्ष बनेगी तो हमेशा उसे क्या कंसिडर करोगे, डाउटफुल। मेरी बात एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एरिया को ही निकालने की कोशिश कीजिएगा, मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। कुछ ए बी नहीं है बेटा, ए का कौन सा हिस्सा बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ए का खाली वाला हिस्सा बी नहीं दिख रहा है, और खाली वाले हिस्से से निष्कर्ष बनेगा इसे क्या कंसीडर करने वाले हो मेरे दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल। देखो अगर आप सिर्फ सही गलत सीखे हो तो बेटा यूपीएसआई का पेपर होगा, टीसीएस के लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित ही रूप से आप फंसोगे, क्योंकि टीसीएस ने एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत होगा। निश्चित रूप से गलत में हम डाउटफुल को कंसीडर नहीं करते हैं, अगर कहीं ऐसा पढ़ रहे हो या पढ़ाया गया है तो यकीनन चेंज करने की आपको जरूरत है भाई। बोला जा रहा है कुछ बी ए नहीं है बेटा, बी का वह हिस्सा हमें बता दो जो आपको ए नहीं दिखाई दे रहा है, बस इतनी सी बात बता दो भाई, बी का वह हिस्सा बताओ जो ये नहीं दिख रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है कि बी का खाली वाला हिस्सा सर ए नहीं दिख रहा है, और खाली वाले हिस्से से जब भी निष्कर्ष बनेगी तो उसे क्या मानने वाले हो, तो आपका जवाब होगा सर इसे हम डाउटफुल कंसीडर करेंगे। कोई ए बी नहीं है यह कह रहा है, ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, लेकिन बेटा कुछ हिस्सा तो बी है इसलिए 100% गलत है। कोई बी ए नहीं है, ए भी 100% गलत है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा क्या है भाई, ए है, तो यह दोनों निश्चित ही रूप से गलत है। अब यहां लगी है बेटा संभावना है, कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में नोट कराया हर एक पॉइंट को कि जब कभी निष्कर्ष डाउटफुल हो जाए और उसके साथ संभावना दी जाए तो 100% सही होता है, क्योंकि डाउटफुल का मतलब ही यही होता है हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है या निष्कर्ष कैसी थी, डाउटफुल, और डाउटफुल के साथ यदि संभावना लगाओगे तो 100% क्या होगी भाई, सही। सभी ए बी हैं बेटा, सभी ए बी हैं ऐसी संभावना है,
तो हमें इस बात को समझना होगा, अगर सभी भी हैं तो खाली वाले हिस्से की बात करनी पड़ेगी, और जब खाली वाले हिस्से की बात करनी पड़ेगी तो निष्कर्ष डाउटफुल होगा, और डाउटफुल के साथ कंक्लूजन्स में यदि पॉसिबिलिटी ऐड होगी तो 100% क्या माना जाएगा, भाई सही, कुछ ए बी हैं ऐसी संभावना है। कल की क्लास को बेटा एक बार याद कीजिएगा, जो हमने पॉइंट को नोट कराया था कि कुछ ए बी हैं यह 100% निष्कर्ष सही है, यह 100% निष्कर्ष क्या था, सही था, और सही के साथ यदि आप संभावना व्यक्त करते हो तो वह निश्चित ही गलत मानी जाती है, तो यह क्या है भाई, गलत है। तो मेरे दोस्त आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, एक बार कॉपी कीजिएगा, और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं इसके अकॉर्डिंग उसको समझिएगा, अगर हम क्वेश्चन में आपसे यह पूछना चाहें कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन निश्चित ही रूप से गलत है, तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा सिर्फ यही दो हैं जो निश्चित ही रूप से गलत हैं, आप इसको 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 निश्चित रूप से गलत नहीं कंसीडर कर सकते हो, यह बात लिख लीजिए, और 100% जो मैं बोल रहा हूं वह सही है, अगर आपको मैच कराना है तो डीसीएस के पेपर के अकॉर्डिंग मैच करा लीजिएगा। बाकी इसके बाद और सुनिएगा, क्वेश्चन में जब यह पूछे कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा मेरे भाई, तो अनुसरण सही वाला ही करता है, यह अनुसरण करेगा यह अनुसरण करेगा, बेटा इसके बारे में जब कुछ पता ही नहीं है तो यह अनुसरण कहां से करने वाला है, तो सही वाले को केवल बताना होता है। तो इसे एक बार कॉपी कीजिएगा, अब मैं उसको बता देता हूं जो ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, चाहे आप ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ चले जाओ भाई, सब्जेक्ट की तरफ, दोनों ही केस में देखो यहां बी पहले है बाद में है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां ऑब्जेक्ट था यहां सब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट था यहां ऑब्जेक्ट था, दोनों ही केस में कौन सा सही हो रहा, निश्चित रूप से तो आपका जवाब होगा कुछ वाला केस सही हो रहा है। उसी प्रकार बेटा यदि सभी की बात करोगे, चाहे सब्जेक्ट से चाहे ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, तो बेटा सभी वाला दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, तो दोनों ही क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, कुछ नहीं भी बेटा क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, और कोई नहीं, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, 100% क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इसी बात को मैं अगले पेज पर एक बेहतर ढंग से आपको लिख कर बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लेना मेरे भाई, ताकि आप जब आंसर देने जाओ तो एकदम धुआं बनाओ। सुनिएगा भैया, ए है यहां क्या है भाई, बी, चाहे आपको निष्कर्ष में ए से बी जाना हो चाहे निष्कर्ष में बी से कहां जाना हो भाई ए, दोनों ही केस में बेटा सही कौन सा हो जाएगा, तो आप जरा कॉपी कीजिएगा इस बात को कि बेटा जो कुछ वाला होगा वह 100% क्या होने वाला है भाई, सही। दूसरा लिखिएगा कि अगर जहां सभी लिखा होगा और जहां कुछ नहीं लिखा होगा उसे हम क्या मानने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर यह दोनों डाउटफुल होने वाली है, क्या होने वाली है मेरे भाई, तो डाउटफुल होने वाली है। इसके बाद से यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा अगर कहीं कोई नहीं लिखा होगा तो वो 100% क्या होने वाला है भाई, गलत होने वाला है। इस चीज को अगर कॉपी कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग भी आप अपना आंसर दे सकते हो। सुन लीजिए, चाहे सम का केस हो चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाना हो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाना हो, दोनों ही केस में मेरे भाई अगर कहीं निष्कर्ष में कुछ लिखा होगा तो 100% सही मान लेना, सभी कुछ नहीं लिखा होगा तो उसे डाउटफुल मान लेना, और इसके साथ संभावना दी जाएगी जिसे क्या मान लीजिएगा भाई, सही मान लीजिएगा, और कोई नहीं दिखेगा तो उसे क्या मान लेना है भाई, गलत मान लेना। जल्दी से इसे एक बार छापिए, कॉपी कीजिए, फिर अगले चलते हैं अगले पेज पर भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में कॉपी करते रहिएगा, लेकिन अगली क्लास में जब भी आइएगा तो पीछे की चीज रिवाइज करके आइएगा भाई, बिना रिवीजन के यदि क्लास में आओगे तो जब पिछली क्लास को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो तो आपको बात पता होनी चाहिए कि हर अगली क्लास पिछली क्लास से रिलेट करती है, पीछे के कॉन्सेप्ट आगे हम यूज करेंगे, तो इसीलिए आपको जब भी क्लासरूम में आइए तो हमेशा पिछली क्लास को रिवाइज कर और पढ़कर ही आना चाहिए भाई, सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा कि मेहनत कोई दूसरा नहीं करने वाला, आप ही करने वाले हो, बस आपको एक रास्ता जरूर बताया जा सकता है जिस रास्ते पर चलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हो भाई। अगला लिखिएगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, जो हमने रूल बताया है अगर बेटा उस रूल को भी तुम पढ़ लोगे तो यकीन मानिए, आप कहते हो यूपीपी तक हम कहते हैं, जिस बात को हम आपको बता रहे हैं वही तरीकों को यदि आपने सीख लिया तो यूपीपी यूपीएसआई एसएससी रेलवे बैंकिंग किसी भी पेपर के क्वेश्चन लगाओगे,
किसी टेस्ट सीरीज से लगाओगे सिंगल क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं हो सकती है, ये मेरा चैलेंज है भाई। चलो कोई ए बी नहीं है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चलिएगा, आप आंसर दे ले जाओगे भाई। कोई ए बी नहीं है, अब जितनी निष्कर्ष इससे बन सकती है सब निष्कर्ष लिखते चलेंगे भाई, लिखते चलिएगा साथ साथ में, साथ साथ में लिखते चलिएगा, और एक बार इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा भाई फिर से। चलो लिखिए, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, आगे लिखिए भाई कुछ बी ए है, अगला लिखिए भाई सभी ए बी हैं, आगे लिखिए भाई सभी बी ए हैं, लिखते रहिएगा स्पीड से भाई। उसके बाद लिखिए भाई कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, आगे है भाई कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, आगे लिख लीजिएगा भाई कोई बी ए नहीं है। बेटा नो और सम का दो ऐसा केस है जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल देने से मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि डायग्राम जब दोनों का चेंज नहीं होगा तो फिर मीनिंग कहां से बदलेगी मेरे भाई, ये चीज याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भाई। बोला कोई ए बी नहीं है, चलिए डायग्राम बनाते हैं भाई, यह रहा ए और यहां कौन रहा भाई बी, दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को, चलिए दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलो अब इस बात को जरा समझिएगा, इसकी मीनिंग यह होती है कि ए का कोई भी हिस्सा बी से टच नहीं होना चाहिए, और जैसे ये बात आप बोलते हो कि ए का कोई हिस्सा बी से नहीं टच होना चाहिए, तो एक बात और इनडायरेक्टली निकल कर आती है कि बी का कोई हिस्सा आप किससे टच नहीं होना चाहिए, ए से नहीं होना चाहिए, यानी ए की बाउंड्री किसके टच में नहीं आनी चाहिए, तो मेरे दोस्त तो बी के टच में नहीं आनी चाहिए, तो बी की बाउंड्री भी किसके टच में नहीं आनी चाहिए भाई, ए के टच में। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखिए, कुछ ए बी है, बेटा अगर मना किया गया है ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं हो सकता तो कुछ तो होगा ही नहीं, पहला 100% गलत है, दूसरा भी 100% आपको गलत दिखाई दे रहा है। बोला सभी ए बी है, बेटा डायग्राम को देखकर एक बात पता चलती है कि ए का कोई हिस्सा अगर बी नहीं है तो सभी कहां से हो सकते हैं, ए भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि सभी बी क्या दिखाई दे रहा है ए। इस लाइन को पढ़िएगा, नो के केस में, नो के केस में कुछ नहीं हमेशा क्या होता है भाई, सही होता है। नो के केस में कुछ नहीं हमेशा इसलिए सही होता है, अगर हम आपसे कहें कि ए का जो हमने रेड एरिया किया है वह बी नहीं है, सही है कि गलत है, तो आपका जवाब होगा सर जितना रेड हिस्सा है वो भी बी नहीं है, और इसी रेड हिस्से को हम कुछ से डिफाइंड करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा नो के केस में कुछ नहीं हमेशा क्या होता है भाई, सही होता है। कुछ बी ए नहीं है, ए बी क्या होने वाला है भाई, सही। कोई ए बी नहीं है, अगर स्टेटमेंट ही दिखाई दे रही है डायग्राम से देखकर पता चल रहा है ए का कोई हिस्सा भी नहीं है, सही है। कोई बी ए नहीं है, ए भी 100% क्या है भाई, सही है। तो अगर नो के केस को समझने की कोशिश करो तो यहां से एक बात पता चलती है, इससे जितनी भी निष्कर्ष बन सकती है वह या तो 100% सही होती दिख रही है, या तो 100% क्या होती दिख रही है भाई, गलत होती दिख रही है। तो अगर दोनों को ध्यान से देखोगे, एक भी निष्कर्ष डाउटफुल नहीं आई है, और अगर एक भी निष्कर्ष डाउटफुल नहीं आई है तो संभावना के साथ में एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है। नो एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जो एक भी डाउटफुल कंक्लूजन नहीं बता सकता, या तो निष्कर्ष आपकी 100% सही होती है, या तो 100% क्या होती है, गलत होती है। अब उस रूल पर आते हैं, जिस रूल को आप कॉपी कर लीजिएगा, नो के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने से कोई मीनिंग में फर्क नहीं आता। तो ए का कुछ कोई हिस्सा क्या नहीं है भाई, बी नहीं है, तो चाहे आपको निष्कर्ष में ए से बी की तरफ जाना हो, चाहे आपको निष्कर्ष में बी से किसकी तरफ जाना हो भाई, ए की तरफ, दोनों ही केस में एक बात याद रखिएगा कि दोनों केस में कुछ नहीं या फिर कोई नहीं लिखा मिलेगा, तो उसे आप क्या मान लेना भाई, सही मान लेना। और अगर कहीं पर कुछ लिखा मिलेगा
और सभी लिखा मिलेगा, इसको आप 100% क्या मान लेने वाले हो भाई, गलत मान लेने वाले हो। इस चीज को एक बार भाई कॉपी कर लीजिएगा। हमने ये बोला कि नो के केस में एक भी डाउटफुल कंक्लूजन नहीं बन सकता है, इसमें दो कुछ नहीं और कोई नहीं, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जाओ, 100% सही होगा। कोई नहीं का केस होगा वो भी 100% सही होने वाला है, और कुछ और सभी हमेशा क्या होने वाले हैं भाई, गलत होने वाले हैं। इस इसको भाई कॉपी कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, इसी को मैं एक बार रिपीट करके बताता हूं किस तरीके से रिलेट करोगे। मान लीजिए क्वेश्चन में यह आता है कि कोई नदी सागर नहीं है, तो बेटा नदी और सागर की मीनिंग से मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है सिर्फ डायग्राम से कि नदी का कोई भी हिस्सा सागर से टच नहीं होना चाहिए। दोनों में नो का केस बनना है, रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है चाहे नदी से सागर की तरफ जाओ चाहे सागर से किसकी तरफ जाना भाई, नदी की तरफ जाना, दोनों ही केस में बेटा कुछ वाला और सभी वाला क्या बनने वाला है, गलत। हम बोले भाई सभी की नदी सागर है 100% गलत, कुछ नदी सागर है 100% गलत, कोई नदी सागर नहीं है भाई सही, कोई सागर नदी नहीं है भाई सही, कुछ नदी सागर है सही, कुछ सागर नदी है सही, यानी कुछ और सभी गलत होंगी, याद रख लीजिए। और एक दो चीजें सही होंगी, कुछ नहीं और कोई नहीं, चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाना हो चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाना हो। आज की क्लास में हम इतनी बातें डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। और आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितनी भी बातें आपको पढ़ाई जा रही है उसको कनेक्ट करते रहिएगा। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और भाई ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आपको पता है कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो आप अपनी पढ़ाई को हमेशा बरकरार रखिए। जीतेगा वही जो बेटा हमेशा मेहनत करेगा, इंतजार करोगे तो फिर बहुत कुछ छूट जाने वाला है। हम मिलते हैं अगली क्लास में भाई, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर भाई।